नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम जॉइंट में। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ जो कि आपको पहले से मालूम पड़ गई होंगी, फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आंदोलन जो कि दोस्तों स्टार्ट होने वाला है, इसका एक नोटिफिकेशन डालो दोस्तों PED की साइट पर। दोस्तों इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप का ये डाला हुआ है, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक, तो देखो आरक्षक कांस्टेबल, दोस्तों जो आपका कांस्टेबल है दोस्तों, कांस्टेबल की वैकेंसी आई है दोस्तों। ये दोस्तों हेतु भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध सूचना पुलिस मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक -- भोपाल। दोस्तों ये देखो आज की डेट है दोस्तों 22/10/2020 में आरक्षक समूह ये दोस्तों आपके कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा दोस्तों। दोस्तों आपके और हमारे प्रयास जो कि विगत कुछ महीनों में हमने बहुत ही प्रयास इस पैंडमिक में हमने बहुत ही ख़राब स्थिति झेली दोस्तों, इसके लिए हमारे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई दोस्तों। हमने ट्विटर पर #SpeakUp4MPPSC PED स्टूडेंट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इसको वायरल कराया था दोस्तों। और दोस्तों साथ ही साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष श्री चौहान साहब, चौहान एकेडमी के संस्थापक और संचालक और बेरोजगार के अध्यक्ष, बेरोजगार समिति के अध्यक्ष दोस्तों, जिनके भी बहुत ही अधिक प्रयासों से हुए आज बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे दिया है विभागीय नियमों एवं परीक्षा संचालन के संबंध में विस्तृत समय पुस्तिका संभावित तिथि दोस्तों। दोस्तों जो इस एग्ज़ाम की जो संभावित तिथि है, मतलब जो इसका वो आएगा, तो ये दोस्तों 25/11 दोस्तों, ठीक है दोस्तों 25/11 दिवाली के लगभग करीब आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन दोस्तों कर सकते हैं हम, ऑनलाइन आवेदन 24/12 मतलब हम 24 नवंबर मतलब 25 दिसंबर दोस्तों है ना, 25 दिसंबर 25 दिसंबर क्रिसमस डे के एक दिन पहले दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि होगी दोस्तों 7/1 मतलब जनवरी दोस्तों, बहुत अच्छा टाइमिंग है दोस्तों, बहुत ही अच्छा टाइम मिल जाएगा आप, मैं तो चाहता हूँ आप 24 तारीख को ही भर दें, जैसे डले वैसे वैकेंसी भर दें। उसके बाद 4 पॉइंट दोस्तों आवेदन पत्र संशोधन की है दोस्तों, उसके अंदर संशोधन कर सकते हैं फोटो वगैरह जो भी है, तो दोस्तों 12/1 तक का टाइम है आपके पास ओके। इसके बाद दोस्तों परीक्षा की तिथि, दोस्तों परीक्षा की तिथि है 6/3 दोस्तों, मार्च 6 मार्च तक दोस्तों, 6 मार्च से प्रारंभ दोस्तों आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है दोस्तों। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दोस्तों, नवंबर दिसंबर जनवरी 3-5 महीने दोस्तों, 5 मंथ्स में बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है दोस्तों, बहुत ही प्यारा आराम से कॉन्स्टेबल निकल जाएगा दोस्तों। यहाँ में हमें 85+ मार्क्स लाना है दोस्तों, और हमारी एक सीट बुक करना है, और हम अपने घर वालों से वादा करने कि इस बार जो होली का कलर गिरेगा वो हमारी वर्दी पर ही गिरे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे और बताना चाहूँगा मैं, उपरोक्त समस्त तिथियों पूर्णतः संभवित है दोस्तों, जो तिथि है पूर्णतः संभवित है दोस्तों। इन्होंने यहाँ एक पॉइंट दे दिया, संभवित मतलब ये होके ही रहेगी है ना दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का कोई घोटाला कुछ नहीं है दोस्तों। जिनके अनुसार परिवर्तन संभव है, परिवर्तन मतलब तो शायद 3,037 कुछ ऐसा निकली है वैकेंसी, या आगे चलकर 6,300 ऐसा कुछ होने वाला है, इतना मुझे अभी पता तो नहीं है, अभी वैसे पता तो चला है थोड़ा टेक्निकली, मैंने बात करी थी ऊपर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों विभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुसार पदों की संख्या कुल संभवित 4,000 दोस्तों है ना, 4,000 विभाग ने जो उनको दिया है गृह विभाग को, तो उन्हें 4,000 है ना दोस्तों, यानी परिवर्तन संभव है दोस्तों, ये 6,000 हो सकते हैं, उससे आगे भी हो सकते हैं ना दोस्तों। पदों की विस्तृत जानकारी आयु सीमा संबंधी जानकारी के आधार दोस्तों, पदों की जानकारी जो भी है उसके लिए आप ये इनकी वेबसाइट www.pb.mpgovernment.in पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा मैं बता दूँ दोस्तों ये किस किस इसमें निकली हुई है, विभाग से प्राप्त मांग पत्र के अनुसार पदों की कुल संख्या दोस्तों, कांस्टेबल रेडियो, कांस्टेबल डीडी अदर देन रेडियो दोस्तों, रेडियो प्लस अदर देन रेडियो दोस्तों, ये टोटल 4,000 पोस्ट है दोस्तों। इसके अंदर ओपन से ये ओपन दी हुई है, एक सर्विसमैन को 10% मिलेगा दोस्तों, होमगार्ड को 15%, फीमेल को 35 दोस्तों है ना। इसके बाद है ब्रेकअप दोस्तों, ब्रेकअप DEF और SAF दोस्तों, MP गवर्नमेंट क्या होता है, SAF की वैकेंसी निकल दोस्तों। इसके अंदर जिन बालकों की हेड 162 मीटर रहती है ना, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, इनका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों, ये भी अच्छी वैकेंसी दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस पैंडमिक में अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए दोस्तों। आयु सीमा दोस्तों इस प्रकार की, आयु सीमा दोस्तों, आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2020 से दोस्तों, वर्ल्ड एयर पदों की आयु सीमा का निर्धारण शासन द्वारा दी गई अनुरूप किया जाएगा, मतलब शासन की जो भी टिप्पणियाँ और गाइडलाइन है उसके अनुसार दोस्तों किया जाएगा दोस्तों। पुलिस आवेदक 18 से 33 वर्ष, महिला आरक्षित महिला ST SC जो भी है वो 18 से 38 वर्ष है ना दोस्तों,
प्रोत्साहन राशि मिलने वाली विक्रम पुरस्कार वगैरह जो भी बच्चा विक्रम पुरस्कार जिनको मिला है विक्रम पुरस्कार दोस्तों, उनको 5 वर्ष की अधिक छूट जाएगी। एसटीएससी वालों को भी दोस्तों अधिक छूट जाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कृत दंपति प्रोत्साहन अनुरूप आयु राशि मिलने से ये सब उसके अंदर छूट है दोस्तों। भूतपूर्व सैनिक जो भी भूतपूर्व सैनिक फॉर्म हमारे भरना चाहते हैं उनके लिए भी छूट है दोस्तों अलग अलग प्रकार की। इसके बाद दोस्तों ठीक है दोस्तों, साथ ये ही बने रहेगा, हम आपको एकदम अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसी तरह हमको सपोर्ट कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जय हिंद दोस्तों।